इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है और आरोप है कि उन्होंने धन शोधन किया, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके आधार पर अब संजय सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी, इससे पहले मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में गिरफ्तार हुए थे और वो जेल में है फिलहाल के लिए। और अब ईडी ने सुबह से छापेमारी की, पहले संजय सिंह के आवास और अन्य जगहों पर, उसके बाद अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने शराब नीति घोटाले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी। ईडी शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, इसमें संजय सिंह का नाम भी था। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह से ईडी ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने संजय सिंह का लैपटॉप और मोबाइल सीज कर लिया है। इसके अलावा उनके दफ्तर से कंप्यूटर को भी जब्त किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि रद्द की जा चुकी शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में अहम रोल संजय सिंह ने अदा किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में पहुंच रहे हैं। शराब घोटाले के एक आरोपी दिनेश अरोड़ा एक सरकारी गवाह बन चुके हैं। दिनेश अरोड़ा ने ही जांच एजेंसी से कहा है कि संजय सिंह की वजह से ही वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए थे। आपको बता दें कि सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जाँच शुरू की। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जाँच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जाँच कर रही है। वहीं सीबीआई की जाँच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।